कोई भी इस मार्केट में SUV के लिए अगर हैं तो इस गाड़ी को एक बार आप लाइव देख लीजिए, आई थिंक यू विल गो नट्स। और इसमें आपको मॉडल एस में आपको ब्लैक्ड आउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, ये आपका कंपास की बैजिंग आती है और फिर ये स्क्रीन आता है। आपका वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल है, तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो ड्राइवर साइड का हाई मीडियम और इमीडिएटली हवा आपको फील होती है अपने पीठ पे, बैक पे, पूरी बॉडी पे। आई कैन हेल्प विद नेविगेशन, फोन कॉल, टेक्स्टिंग, म्यूजिक, रेडियो, क्लाइमेट कंट्रोल। वेरी इजी टू ड्राइव, इवन द मैनुअल इज लाइक पीस ऑफ केक। सिटीज़ में भी बहुत अच्छा आपको लगेगा बिकॉज जो लो एंड टॉर्क है इसका, पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। हे गाइस, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपने मेरे XUV 700 की वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम लाए हैं ऑल न्यू जीप कंपास 2021 एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल एस वेरिएंट। और मुझे नहीं लगता कि इस कलर में, इस वेरिएंट में किसी ने भी YouTube पे प्रॉपर वीडियो डाला होगा। तो दिस विल बी अ कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू ऑफ द कार। तो आप देख सकते हैं द कार लुक्स रियली रियली स्टनिंग। आई थिंक व्हाट माय स्टेटमेंट इज़ कि इस सेगमेंट में इससे अच्छी दिखने वाली, इससे अच्छे लुक्स वाली जो कार है, स्पेशली दिस मॉडल एस विद ऑल द ब्लैक्ड आउट बैजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक नहीं है। आपको लाइव जाके जीप के शोरूम में एक बार देखना चाहिए वन हुज़ प्लानिंग टू यू नो परचेज एन SUV। कोई भी इस मार्केट में SUV के लिए अगर हैं तो इस गाड़ी को एक बार आप लाइव देख लीजिए, आई थिंक आपको इसका लुक इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है जितना और किसी भी गाड़ी का नहीं है। लुक्स रियली प्रीमियम, आई थिंक इट लुक्स मोर प्रीमियम देन द ऑडी Q3 एंड इवन द BMW X1 अगर आप उससे कंपेयर करें इसको। तो दिस इज़ द लुक फ्रॉम द रियर, आप देख सकते हैं ये सिर्फ मॉडल एस है जिसमें ये पूरा जीप का बैच ग्रेड आउट आता है, इसमें कोई क्रोम का बिट नहीं है एंड यहाँ पे आपको एस की बैचिंग मिलती है, सो दैट एवरीवन नोज दैट इट इज़ अ टॉप ऑफ द लाइन कार। और यहाँ पे पूरा आपको साइड रेल्स, बम्पर, सब कुछ बॉडी कलर में ही मिलता है। दिस इज़ द 18-inch अलॉयज, लुक्स रियली स्टनिंग। और जो अगर कहते हैं कि पुरानी वाली जीप कंपास से ये मिलती है, तो लेट मी टेल यू, ये इसका थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ गया, इसकी लेंथ भी थोड़ी बहुत बड़ी है, तो लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, स्पेशली इन दिस वाइट कलर। दिस रूफ इज़ ग्रे, तो ये ग्रे लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा दूर से देखने में। यहाँ पे आपको साइड मिरर्स भी ग्रे मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वेल प्रोपोर्शनेट कार। दिस कार जनरली इज़ कम्पेयर टू, अब लोग कहेंगे कि मैं उससे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, इज़ एक्चुअली कम्पेयर टू अ BMW X1 एंड ऑडी Q3 और जो उस रेंज की गाड़ियाँ आती हैं उससे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं इसको हैरियर और किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ। बिकॉज इंजन इसमें सेम है हैरियर वाला, बट द लो एंड टॉर्क जो इसमें मिलता है दैट इज़ समथिंग विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। सो आप इसको ड्राइव करेंगे, इसकी हैंडलिंग, इसका डायरेक्ट स्टीयरिंग इनपुट। तो इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है, दैट इज़ द 4x4 मॉडल, ये वाला 4x2 है, दैट इज़ कम्स विद ऑटोमेटिक ओनली। तो ये कुछ गाड़ी के लुक्स हैं, आप ढंग से देख लीजिए इसको। और हम अभी इसका जो LED है वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है ऊपर की तरफ, पुरानी वाली जीप में नीचे की तरफ आता था। और इसमें आपको मॉडल एस में आपको ब्लैक्ड आउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं और LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। और ये जो सामने का लुक है इसका, 7-slot ग्रिल जो आती है जीप की, सो दैट इज़ रियली स्टनिंग। ये 360-degree कैमरा है जो सिर्फ मॉडल एस में आता है। ये पूरा ग्रे आपको मिलेगा लुक, और लुक काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक है। सो दिस इज़ द की फॉब, और पीछे आपको जीप का ब्रांडिंग मिल जाती है। ये अपने कवर चढ़ा रखा है जो जीप से ही मिला है, लॉक अनलॉक। एंड यहाँ पे एक और बटन है बूट ओपन का, इसमें बूट ओपन अपने आप ही होता है। बूट खुल गया है, डबल प्रेस से बूट खुल जाएगा, डबल प्रेस से ही आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट आता है। इस वाले वेरिएंट में कीलेस एंट्री मिलती है, सिर्फ आपको इसको जेब में रखना है और यहाँ पे आप टच करेंगे तो
डोर अपने आप लॉक हो गए हैं और ये आपका पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जीप की बैजिंग आती है, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड द ब्लैक इंटीरियर लुक्स रियली रियली स्टनिंग। बॉडी हगिंग सीट्स आती है आपके, अपोल्स्टर्ड लेदर हैं और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यहाँ पे आपको सीट के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आगे पीछे बैक रेस्ट का कंट्रोल, लंबर सपोर्ट भी आपको ऑटोमेटिक है। दोनों सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं मॉडल एस में। तो यहाँ हम लोग अंदर बैठ जाएंगे इसके और जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लुक है अंदर से। आई मस्ट से आई थिंक आई हैव ड्रिवन द X1 ऑल्सो, इट लुक्स बेटर देन द X1। सो दीज आर द कंट्रोल्स एंड यू गेट मेमोरी सीट्स ऑन द ड्राइवर साइड। और ये वाला मॉडल में एक ही चीज़ है, क्रूज कंट्रोल नहीं आता, बट आई डोंट थिंक यू एक्चुअली नीड अ क्रूज कंट्रोल, द ड्राइविंग डायनामिक्स इज सो ब्रिलियंट। क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा 4x4 और ऑटोमेटिक में, और ये आपका पूरा 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है डिजिटल। ये आपको पूरा 10.25 इंच इसका आपको क्लस्टर मिल जाता है। ये आपके सारे कंट्रोल्स हैं और ये मैनुअल वर्जन है। सो द गेयर फीलिंग इज़ रियली गुड, इट्स कम्प्लीट ब्रश्ड एलुमिनियम। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB-C और USB का मिल जाता है। इन मॉडल एस में ये पूरा वायरलेस चार्जिंग का पैड आ जाता है यहाँ पे। सो लेट्स टर्न ऑन द कार और वेलकम एक्सपीरियंस आपको बता देते हैं। ये आपका कंपास की बैजिंग आती है और फिर ये स्क्रीन आता है। सो इट्स अ रियली गुड एनिमेशन और ये आपका इतना क्रिस्प आपका स्क्रीन आता है यहाँ पे, पूरा आपका इस तरफ मैप्स है। ये O2 वर्जन है, तो O2 वर्जन में ऑफलाइन मैप्स भी इन्होंने अपडेट कर दिए थे, देन सम 3-4 माइनर अपग्रेड्स भी थे। फ्रॉम हियर यू कैन कंट्रोल ऑल योर दिस स्क्रीन एंड ये आप यहाँ से, ये स्टेयरिंग के पीछे जो बटन है यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपका वॉल्यूम बटन है, यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। सो ऐसे होल्ड करने में बहुत अच्छा लगता है, यहीं से ही आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। सो लेट्स कम अप विद द स्क्रीन। तो जैसे ही आप कार को स्टार्ट करते हैं तो आपका ये वाला जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका एक ये लुक है, और जब आप इसको ओके प्रेस करके रखेंगे तो आपका एनालॉग लुक भी आपके पास आ जाता है, बीच में डिजिटल स्पीड रहती है। तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, आपको अपनी माइलेज मिल जाती है, किलोमीटर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, आपको कौन सा सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है वो सब चीज़ें भी मिल जाती है। और फिर से आप ये ओके प्रेस करेंगे अगर ये वाली स्क्रीन पे आके, तो आपका लुक फिर से पूरा चेंज हो जाएगा। सो वही सब चीज़ें आपको अब इस वाले लुक में दिखेंगी, राइट। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है तो वो आपको पूरा दिखा देगा। यहाँ पे आपका ये एप्पल कारप्ले, यहाँ पे आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर, यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज वगैरह सब कुछ आपको दिखा देगा। सो एवरेज भी आपको दिखा देगा। तो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन लेआउट एंड बहुत ही क्रिस्प है, मतलब अभी आपको कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, बिकॉज इज अ न्यू कार सो ऑल दिस फिल्म इज देयर, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी क्रिस्प। तो ये आपका ऊपर ड्राइवर्स इन्फो दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, और ऑफ कोर्स वहाँ पे साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है क्योंकि ये कंपास है इसलिए डायरेक्शन तो दिखाना ही है उसको, और सारा कुछ आपका यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। सो ऑल दिस सेटिंग्स यू कैन गो थ्रू फ्रॉम हियर एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी स्पोर्टी फील। अब हम इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाते हैं एंड दिस वन ऑफ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आउट देयर, आई थिंक वेरी इजी टू यूज़, इट्स कॉल्ड द यू कनेक्ट सिस्टम। सो होम पे आपको ये मैप्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको म्यूज़िक का दिख जाएगा एंड दिस ऑल इज़ कस्टमाइजेबल। यहाँ पे आप मीडिया में जा सकते हैं तो मीडिया में आपको क्या प्ले हो रहा है सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएगा। एप्पल कारप्ले आप 2 डिवाइसेस तक वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो कम्प्लीट वायरलेस कनेक्टिविटी है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम फीचर, अब इवन 2 डिवाइसेस तक का कनेक्शन तो मैंने इवन लग्जरी कार्स में तक नहीं देखा है। सो ऑल फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट योर सोर्स FM,
आईपॉड, यूएसबी, एएम सब कुछ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका कंप्लीट एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये आपका वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल है, तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो ड्राइवर साइड का हाई, मीडियम और इमीडिएटली हवा आपको फील होती है अपने पीठ पे, बैक पे, पूरी बॉडी पे। और ये आप यहाँ से अपना लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं, अभी मैंने लो पे रखा हुआ है। सेम थिंग फॉर द पैसेंजर सीट। आपको गर्मियों के टाइम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन सीट्स को यूज़ करके, सो इट कूल्स यू डाउन इंस्टेंटली। और अगर आपका टेम्परेचर बाहर 29 के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ फीचर। ये आपके सारे मोड्स हैं। ऑफकोर्स आपका नॉर्मल बटन्स भी हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हर चीज़ को, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को। तो ये आपके सारे मैनुअल बटन्स हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीट ऑफलाइन नेविगेशन। तो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छा नेविगेशन स्क्रीन है यहाँ पे, बहुत ईजी टू टच है। आई मीन टच रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ वॉट वो इट वॉज इन द प्रीवियस कंपस। ये आपका एप्पल कारप्ले आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेसली मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, कोई वायर नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ आपके व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं पूरी। इस गाड़ी में सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, तो आपका सराउंड व्यू कैमरा आप डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हैं। तो ये आप देखेंगे पीछे का, ये आपका टेलगेट कैमरा है, ये आपका आगे का कैमरा है, आगे का नैरो कैमरा है, और ये फुल स्क्रीन आपका पीछे आ जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन ब्रिंग इन हियर। एंड आप सेटिंग्स में जाएंगे तो देयर इज अ डिस्प्ले सेटिंग, तो डिस्प्ले मोड अपने आप, इवन थीम्स भी आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल्स, आपका जो ड्राइवर प्रोफाइल है, जो मेमोरी सीट्स हैं वगैरह, वो सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से आप अपना टाइम फॉर्मेट है, वॉइस ऑप्शंस हैं आपके इसमें, इवन वॉइस कमांड सिस्टम है, तो आप हे जीप बोलेंगे तो वो सुनेगा। एंड यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टेम्परेचर एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप वेकअप वर्ड जो है, मैंने ये हे जीप लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉइस बार्जिन मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो, वो अपने आप आपकी वॉइस रिकग्नाइज करके आपको कर देगा। कमांड लिस्ट, तो जैसे ही आपका हे जीप आप बोलोगे तो वो कमांड लिस्ट बता देगा। रेडियो ऑफ डिले मतलब गाड़ी ऑफ होने के 20 मिनट्स तक आपका ये पूरा स्क्रीन ऑन रहेगा। सो आई थिंक इट्स बेटर दैट आई डू इट जीरो। तो रेडियो ऑफ विद डोर, तो डोर के साथ ऑफ हो जाएगा। ऐप ड्रॉअर, लाइक आप अपने फेवरेट ऐप्स को आप वहाँ पे पॉपअप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। नेविगेशन सेटिंग्स में आप सारा चीज़ें अपना नेविगेशन सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। देन ऑडियो, ऑडियो में आप सब कुछ यहाँ से, आप इक्वलाइजर, बैलेंस वगैरह, सराउंड साउंड ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, वेरी कस्टमाइजेबल। एंड रीस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स, ऑफ कोर्स आप वो भी आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह, अब इवन आप अपना जो अवतार है, लाइक कौन सी इमेज आपको चाहिए, वो आप एडिट कर सकते हो। वेलकम पॉपअप, आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। What is linked to my profile? तो इस ये प्रोफाइल से आपका ये सारी चीज़ें लिंक होती है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी सेटिंग्स से, कोई भी ड्राइवर है, कोई भी आपका घर वाले हैं, वो आप अपनी अपनी सेटिंग्स यहाँ पे आप प्री सेट कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स मेरे हिसाब से सेट है। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स ही कैन क्रिएट हिज ओन प्रोफाइल, और मेरी वाली सेटिंग्स भी डिस्टर्ब होगी नहीं। सो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर। बाकी सेफ्टी एंड ड्राइविंग असिस्टेंस, तो आप रियर पार्किंग, पार्क सेंस, साउंड प्लस डिस्प्ले, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो यहाँ से। कैमरा का आप व्यूइंग एंगल वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, डोर एंड लॉक्स। सो ऑटो डोर लॉक आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ऑटो अनलॉक ऑन एग्जिट, फ्लैश लाइट्स विथ लॉक, मतलब आप इतना कस्टमाइज कर सकते हो इसको। इवन किसी किसी को साउंड पसंद नहीं है तो लॉक करते टाइम, तो वो भी आप ऑफ कर सकते हो। ड्राइवर डोर, एक की से आपको ड्राइवर डोर लॉक करना है या ऑल डोर लॉक करना है, वो भी आप सेट कर सकते हो। पैसिव एंट्री मतलब कीलेस एंट्री आप ऑफ ऑन कर सकते हो। तो पर्सनल सेटिंग्स, लिंक टू की फॉब, मतलब मेरे पास जो की फॉब है उससे ये मेरी सेटिंग्स आ जाएंगी ऑटोमेटिक, वो भी आप सेट कर सकते हो। की ऑफ ऑप्शंस, लाइक अगर आप ऑफ करते हो तो हेडलाइट जलती रहनी चाहिए, कितने टाइम के लिए जलना चाहिए, वो भी आप सब सेट कर सकते हो यहाँ से।
नोटिफिकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं जीप अपने आप ही बता देता है। और ये जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वाईफाई नेटवर्क्स वो वहाँ पे वाईफाई में आप जोन में हो तो वाईफाई से कनेक्ट करके आप अपना सॉफ्टवेयर पूरा खुद से ही अपडेट कर सकते हो। सो ऑल दीज सेटिंग्स आर देयर। सिस्टम इंफॉर्मेशन पूरा आपको दिखा देगा, पूरा आपको रीसेट करना है, रीसेट रेडियो, रीसेट ऐप, सब कुछ आप अपने अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हो। लेट मी जस्ट इंक्रीज द फैन स्पीड, थोड़ा सा गर्मी हो रही है यहाँ पे। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ से व्हीकल से सब कुछ आप सेट कर सकते हो। ये आपकी ऐप्स वाला है जो मैंने आपको बताया था, ऐप्स अलग अलग आपकी ऐप्स आ जाती हैं यहाँ पे, एंड जीप विल कीप ऑन एडिंग मोर ऐप्स टू यू नो टू दिस डिवाइस। तो यू कनेक्ट में आप को ऐसा नहीं है कि कोई आपका नया मॉडल आया है, कोई फीचर ऐसा आया है तो वो या फीचर यहाँ पे जीप अपने आप ऐड कर देगी। सो ऑल दिस इज़ अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपका इवन ऊपर वाला भी जो बार है वो आपको शॉर्टकट्स दिखाते हैं कि क्या क्या आपका ऑन है, लाइक 22 इस तरफ का टेम्परेचर, 23 उस तरफ का है। हे जीप, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद? आई कैन हेल्प विद नेविगेशन, फोन कॉल, टेक्स्टिंग, म्यूजिक, Radio, climate control. Please turn on the AC. I've turned on the AC. तो अब आप देखेंगे कि वो इस तरह से आप ही जीप से कंट्रोल बहुत कुछ कर सकते हो। तो लाइक दिस यू हैव द यू हैव योर वॉइस असिस्टेंट, एंड जो स्टेयरिंग है वो आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, आप आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों तरफ कर सकते हो। सो दिस इज़ एन अमेजिंग फीचर ऑल्सो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। यहाँ से आपके ऑटो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आप ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वाइपर्स वगैरह सब कुछ चलेंगे। यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे आप अगर इसको ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो रात के टाइम पे जलना शुरू हो जाएंगे। ये आपके हाई बीम असिस्टेंट है, ये आपका ब्राइटनेस, इन दोनों स्क्रीन्स की जो ब्राइटनेस है वो लो करने के लिए, हाई करने के लिए है। ये आपको बहुत ही सुंदर एक एलुमिनियम का लॉक मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपके वन टच ऑटोमेटिक ड्राइवर एंड पैसेंजर जो कंट्रोल है विंडो के वो हैं। ये आपको ORVM के कंट्रोल हैं, ये आपका लॉक अनलॉक सब कुछ। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लॉक अनलॉक का पूरा बटन मिलता है, तो पैसेंजर भी चाहे तो वो पूरा लॉक अनलॉक कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ये वाला जो बटन है इससे ऑटोमेटिक टेल गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये बटन दिया है रेदर देन ऑन द डोर, तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट आई मस्ट से। ये यहाँ से आपका पूरा सनरूफ जो है वो वन टच में पूरा खुल जाता है। एक बार आप टच करते हैं तो आधा खुलेगा, और फिर दोबारा आप टच करेंगे तो पूरा पीछे तक खुल जाएगा। एंड इट हैज़ अ पैनोरामिक सनरूफ एक्सटेंडिंग टिल द बैक, सो इट इज़ वेरी गुड। और यहाँ से आप अपना ये वाला भी सनरूफ खोल सकते हैं, पूरा पीछे तक खुलेगा, अच्छा खासा आप बाहर निकल सकते हैं यहाँ पे। और आई मस्ट से द मोस्ट साइलेंट सनरूफ आई हैव सीन इन द जीप कंपस, बिकॉज जितने सनरूफ होते हैं उनका मोटर का आवाज़ आता है, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। यू गेट ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, ऑफ कोर्स यू शुड गेट इन सच अ एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल्स हैं, ये आपका इंजन ऑन ऑफ करने के लिए जो सिग्नल पे आपका ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ दिखा रहा है, तो इसको हम ऑन ही रहने देंगे। ये आपका पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, हैजर्ड्स, पैसेंजर बैग, और ये आपके कुछ AC के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल, ये पूरा आपका मिडिल में AC का कंट्रोल है। और ये आपका म्यूट का बटन है, इससे आपका स्क्रीन ऑफ भी हो जाता है पूरा, अगर आपको रात को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो। ये आपका ग्लव बॉक्स है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो AC के वेंट इसी में ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो इट लुक्स रियली गुड। ये वाले नीचे का AC वेंट है और अच्छा खासा कूलिंग है, यहाँ पे आपका पूरा AC वेंट है, तो दिस लाइन स्ट्रेचेस टिल द एंड, लुक्स रियली कूल। और ये आपका वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं वैनिटी मिरर की, इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं वैनिटी मिरर की। ये आपको माइक्रोफोन यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड केबिन, वेरी रिलैक्सिंग केबिन। आपको एल्पाइन का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है विद साउंड स्टनिंग रियली,
ये तो आपको बैठ के ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको ट्वीटर्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आपको अपने स्पीकर्स मिल जाते हैं मेन, और यहाँ पे आपके एसी वेंट मिलते हैं। आपको यहाँ पे भी एक यूएसबी अच्छा खासा 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है नीचे, और यहाँ पे आपको यूएसबी वाला चार्जर मिल जाता है। ये आपको एसी वेंट मिलते हैं, फ़ैन के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको अपना कप होल्डर्स रखने के लिए स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा। सो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आई हैव, नी रूम भी अच्छा खासा है, हेड रूम भी बहुत है। अभी सनरूफ क्लोज्ड है तो मैं एक मिनट ओपन कर देता हूँ। पे आपको पीछे बैठ के बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है क्योंकि इतना अच्छा खासा बड़ा सनरूफ है यहाँ पे। तो पीछे का लुक कुछ इस तरह से आता है, आपका केबिन का लुक बहुत प्रीमियम आता है, सामने का पूरा डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा दिखता है, और सनरूफ की वजह से तो आई थिंक देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डे लाइट। ये फ्यूल लिड है, यहाँ पे आपको खोलेंगे, ये DEF का लिक्विड है और यहाँ पे कोई कैप वगैरह नहीं आता है, डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। और ये आपका वन टच, यहाँ पे आप टच कर देंगे तो ऑटोमेटिक टेल गेट है वो आपका खुल जाता है, एंड यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। आराम से आप यहाँ पे अच्छे खासे 3-4 सूटकेसेस रख सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो फेयर व्हील है वो आपका स्पेस सेविंग फेयर व्हील आता है विदाउट अलॉयज। ये आपके हुक्स आते हैं और यहाँ पे भी आपको सबवूफर यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका बटन है बूट लिड क्लोज करने का, और ये सीट्स भी आप नीचे डाल सकते हैं टू गेट मोर बूट स्पेस, और ये पूरा ट्रे भी निकल जाती है। सो जस्ट टू क्लोज दिस बूट आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस, और सामने से थोड़ा पीछे हो जाइए तो ये अपने आप क्लोज हो जाता है। ब्यूटीफुल। अब हम इंजन चेक कर लेते हैं। दिस इज़ द टर्बो डीजल इंजन फ्रॉम जीप, वेरी टॉर्की, वेरी अमेजिंग इंजन और वेरी वेल लेड आउट, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन किया हुआ है जीप ने। सो अभी हम एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं द ऑल न्यू मॉडल एस जीप कंपस, और लुक काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे। सो वेरी स्मूथ गियर शिफ्ट्स एंड स्टेयरिंग इनपुट एकदम डायरेक्ट है, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग समथिंग यू नो वेरी पावरफुल, जो आप स्टेयरिंग से अगर जो फीलिंग आती है उस हिसाब से। और यहाँ पे जैसे कि अपन पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक भी चेंज कर सकते हैं। सो ऑल इन अमेजिंग फीलिंग। वेरी इजी टू ड्राइव, इवन द मैनुअल इज लाइक पीस ऑफ केक। सिटीज़ में भी बहुत अच्छा आपको लगेगा बिकॉज जो लो एंड टॉर्क है इसका, पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर दिस टू अ हैरियर और समथिंग यू नो, बिकॉज उसका जो लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी कम है, आई फील इट्स वेरी लैगी, और ये वाला इतना नहीं है। सो एंड द कैबिन इज कम्प्लीटली साइलेंट एज यू कैन सी, सो एकॉस्टिक ग्लास है ये वाला। Hardly you can feel any vibration, anything inside the cabin. So the drive is really smooth. जैसे ही आप लोग जीप लाइफ ऐप पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है एक होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे आपको मिलेगा लॉक अनलॉक, ब्लिंकर्स भी आप ऑफ कर सकते हैं, हॉर्न आप साउंड कर सकते हैं यहाँ से। व्हीकल स्टेटस आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको फ्यूल, बैटरी हेल्थ, कूलेंट, आपको सब कुछ दिखता है यहाँ पे। आप अपनी ड्राइविंग हिस्ट्री, मोपार सर्विसेज, इवेंट्स, आप ड्राइविंग हिस्ट्री में जाएंगे तो आपका जो लास्ट ट्रिप है वो आपको सारे दिख जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से आपने ट्रिप्स लिए हुए हैं, कैसे क्या हुआ है, और बाकी लास्ट ट्रिप में आपको सारी चीज़ें आपकी कौन कौन से ट्रिप्स हुए हैं अब तक के वो सब आपको दिख जाएगा। सो वेरी नाइस ऐप, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैंने अभी ड्राइव किया है तो
यहाँ पे आपको पूरा एवरेज स्पीड, हार्ड ब्रेक्स, हार्ड एक्सलेशन, शार्प टर्न सब कुछ आपको बता देगा वो। ये सारे आपकी ट्रिप हिस्ट्री पूरी आ जाती है इसमें। और आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपकमिंग सर्विस के बारे में आपको पूरा अपडेट्स दे देगा, कोई इवेंट्स हैं वो आपको अपडेट दे देगा, एक्टिविटी फीड्स आपको सारे अपडेट्स दे देगा। आप यहाँ पे मेन मेन्यू में आ जाएंगे तो आपको ट्रेल्स में आपको कोई भी आपकी ट्रेल्स अगर आपने करी है तो वो दिख जाएगा आपको, अपकमिंग आपकी ट्रेल्स कोई है तो वो दिख जाएगी आपको। कम्युनिटीज़ में आप आएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीप ट्रेल्स में एक यहाँ पे ट्रेल हुआ था तो उसका पूरा डेटा दिखा रहा है। फिर हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे तो आपको मोपार सर्विसेज के बारे में बता देगा। आप यहाँ पे सर्विस भी बुक कर सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंस, कस्टमर केयर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्विस अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे अपनी सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पे आप इवन अपना सर्विस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ आपको अपने कोई भी सर्विस का एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ये पूरा आपको दिखा देगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जीप कंपस का हमारा जो सर्विस है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि अभी जो 15,000 पे जो सर्विस होती है उसका एक एवरेज कॉस्ट 9,500 समथिंग दिखा रहा है फिर आपका ये, तो इससे आपको एक टेंटेटिव अपनी कॉस्ट पता चल जाएगी कि आपको एक रेगुलर सर्विस में कितनी कॉस्ट आती है। इट्स अ वेरी नाइस फीचर आई थिंक। आप अपने डीलर्स को लोकेट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपके नियरेस्ट डीलर है वो आपका यहाँ पे बता देगा, कोई भी नोटिफिकेशंस हो, एनीथिंग एल्स। सो इट्स अ ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस ऐप, वेरी फास्ट एंड बहुत क्विक टू रिस्पॉन्स है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चीयर्स।